लास्ट सैटरडे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में लेकर आया अपने बच्चे को वेंटिलेटर पर है। आज पूरा 8 दिन हो गए हैं। जो मुझे LNJP ने रेफ़र किया गया था, मैं सबसे पहले LNJP लेके गया कि वहाँ वेंटिलेटर नहीं था। जो दिल्ली सरकार केजरीवाल अपने आपको बड़े बड़े मॉडल कहते हैं दिल्ली को बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाने वाला लोकनायक हॉस्पिटल, जहाँ पर वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसके ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो मैं यह सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में लेकर आया। यहाँ लाने के बाद 2-3 दिन में हमने पैसे जमा करे, उसके बाद से हमें हॉस्पिटलाइज में बिल के लिए बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। इसके लिए मैं EWS के कोटे पे गया, वहाँ से मैंने ये बनवाया, लेकिन यहाँ पर इसको मना किया जा रहा है। ये कह रहा है हमारी कोई मान्यता नहीं है, सब अपनी अपनी चलाना है, या PRO या MSO या MDO, कोई किसी का नंबर मांगो कोई नंबर नहीं दे रहा, CMO का नंबर मांगो CMO का नंबर भी देने को तैयार नहीं है, कोई सीधे मुँह बात नहीं कर रहा है, मतलब ये सब अपनी मनमानी चल रही है, कोई किसी की नहीं है। मेरी आयु रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ मेरी कोई कहते मदद करें, इस्टीफन वाले बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, और मैं बहुत परेशान हूँ अपने बिल को लेके। ये डे बाई डे बिल बढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरा सैटरडे तक का बिल था 1,51,000 रुपये का, जिसमें आज 2 दिन संडे और सैटरडे जा चुका है, आज मंडे है, 2 दिन का प्लस होना है बिल, जिसमें मैं 1,00,000 रुपये जमा कर चुका हूँ। मैं 1 से 1.25 लाख रुपये की दवाइयाँ ला चुका हूँ, और मैं कहाँ से करूँ। मैं और मेरी वाइफ अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान है, लेकिन यहाँ कोई हमारी सुनने के नहीं है। प्लीज़ मेरी सबसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें यहाँ सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के अंदर। थैंक यू सो मच।